हम सभी शपथ लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अपनी झांसी को नंबर एक पर लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे एवं अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने घर में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। हम सभी नीला एवं सूखा कचरा नगर निगम की गाड़ी में अलग से लेंगे। हम सभी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करेंगे, न करने देंगे एवं अपनी झांसी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, और हम लोग डिजिटल इंडिया से सर्टिफिकेट है। नगर निगम के लिए हम लोग एक स्वच्छता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आपने ऊपर बैनर में देखे होंगे, इसमें हम लोग झांसी को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर एक पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। आप सब लोग मिलकर जाएंगे तो हमारा झांसी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नंबर एक पर आ सकता है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा झांसी नंबर एक पर आए, उसके लिए आप सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप वो सब फॉलो करोगे तो गारंटी से हमारा झांसी नंबर एक पर आ सकता है। तो ग्रीन में कौन सा रखना है? घास से गीला, तो गीला कचरा किसमें रखना है? ग्रीन कूड़ेदान में। और नीले कूड़ेदान में हमें सूखा कचरा रखना है, क्योंकि जब आपने पेपर को फाड़ के डस्टबिन में फेंका और मम्मी आई, मम्मी ने उस पर चाय पत्ती डाल दी, उसी में सब्जी डाल दी जो वेस्ट होती है, तो वो पेपर वेस्ट हो गया। अगर उस पेपर को हम लोग अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे, जैसे गीला अलग और सूखा अलग, तो आप देखोगे कि वो नगर निगम की टीम जब कचरा लेके जाएगी तो आपके उस पेपर को रिसाइकिल करके फेयर पेपर था उससे रफ पेपर बनाएगी और हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। राहुल खरे हूँ, एल्पाइन पब्लिक स्कूल। मैं यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ और आज 14 मई को हमारे यहाँ नगर निगम से टीम आई है, स्वच्छ सर्वेक्षण वाली टीम, जिन्होंने हमारे स्कूल को विज़िट किया है और उन्होंने पाया है कि हमारा स्कूल जो है स्वच्छता उनके नियमों के सारे रूल्स वगैरह जो है सब उनका पालन करता है और यहाँ हमारे यहाँ जो है साफ़ सफाई वगैरह की एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। प्लस हम लोग जो हमारे यहाँ गीला या सूखा कचरा होता है वो हम लोग नगर निगम की गाड़ी में हमेशा हर दिन यहाँ से उनको डिस्पोज। मैं एल्पाइन पब्लिक स्कूल की तरफ से जो स्किल इंडिया की टीम है उन सबको धन्यवाद करता हूँ और आगे जो इस काम को कैरी फॉरवर्ड करते रहें उसके लिए उन्हें ऑल द बेस्ट और बधाई देता हूँ।